नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका मेरे चैनल बेबी नामा चाइल्ड केयर में स्वागत करती हूँ। तो आज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो मदर मिल्क होता है उसको कैसे स्टोर किया जाए, और ये जानना जो वर्किंग वूमेंस होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे क्लिनिक पे भी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारी ऐप का, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें आपको अर्जेंट फ्री एडवाइस मिलती है ऐसे क्वेश्चंस पे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारी ऐप जो है बेबी नामा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो जो मदर मिल्क होता है उसको कैसे स्टोर करना चाहिए, क्या कंटेनर यूज़ लेना चाहिए, किस टेम्परेचर पे यूज़ स्टोर करना चाहिए, और उसको दोबारा काम कैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनका वन बाय वन मैं आंसर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपके जो मदर आसपास की जो रिलेटिव्स में न्यू मदर बनी हैं, जो मदर्स हैं वर्किंग मदर्स हैं, उनसे प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनको ये इस वीडियो से बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर द मदर मिल्क। तो जो वर्किंग वूमेंस होती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है फीड कराने में, कि बीच बीच में आके वो फीड नहीं करा सकती या बेबी को ऑफिस नहीं ले जा सकती हैं। तो वो क्या कर सकती हैं कि अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है वो निकाल के स्टोर कर सकती हैं, और पीछे से केयर टेकर बेबी को पिला सकता है। इस वे में मदर को भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा अगर ब्रेस्ट में मिल्क होगा तो, और बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मदर मिल्क होता है उसको स्टोर किस टेम्परेचर पे करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन ये आता है। तो जो रूम टेम्परेचर होता है सर्दियों में वो होता है 20 से 22 डिग्री, जो नॉर्मल सर्दियां होती हैं उसमें, तो उसमें आप 8 घंटे तक स्टोर कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे। जो गर्मियों वाला टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर में 25 to 26 डिग्री सेल्सियस, उसमें आप 4 घंटे तक रख सकते हो। अगर और ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे कई बार गर्मियों में 35 डिग्री पहुंच रहा है, 35 डिग्री 40 डिग्री, तो उसमें एक से डेढ़ घंटे तक आप स्टोर कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड, आप फ्रिज में कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो। तो जो नॉर्मल फ्रिज का डोर होता है या लोअर जो होता है उसमें आप 24 आवर के लिए रख सकते हो फ्रिज में, बट जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें आप 2 वीक्स तक रख सकते हो, ठीक है। थर्ड जो है कि अगर आपके रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर आप -18 डिग्री से कम कर देते हो तो उस केस में आप 3 से 6 महीने तक मदर मिल्क को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और जो एक और क्वेश्चन आता है, जो आइस क्यूब्स होती हैं या फिर जो कूलर होता है या वैक्सीन कैरियर होता है उसमें आप 24 आवर के लिए स्टोर कर सकते हो। तो ये हो गया कि किस किस टेम्परेचर पे आप कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो। अब स्टोर कैसे करना है, तो स्टोर करने के लिए आपको जितना आपका बच्चा लेता है एक बार में, क्योंकि जितना आपका बच्चा एक बार में लेता है वो ही अमाउंट एक टाइम के लिए स्टोर करना है, एक कंटेनर में स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक पॉली बैग्स जो होती हैं, सील बैग्स जो होती हैं वो यूज़ ले सकते हो, या फिर जो ग्लास कंटेनर होता है वो यूज़ ले सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल्स भी यूज़ ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपका बच्चा एक बार में 60 ml लेता है तो एक जो सील बैग होता है पॉली बैग उसमें 60 ml आप स्टोर करके रख दो। तो ऐसे ही 60-60 ml के आप पाउच बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि किस पाउच में स्टोर करना है। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर पाउच पे या हर बॉटल पे जब भी स्टोर कर रहे हो उस पे डेट और टाइम मेंशन कर देना है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि दूध कितना पुराना है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन पेरेंट्स का आता है कि उसको दोबारा यूज कैसे लेना है फ्रिज में से। तो जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला तो वैसे ही आप काम ले सकते हो, शेक करना है क्योंकि ऊपर फैट लेयर बन जाती है, तो उसको अच्छे से हिलाना है और उसके बाद आप काम ले सकते हो। अगर आपने फ्रिज में रखा है तो उसको जस्ट निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दीजिए, थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा, उसके बाद आप काम ले सकते हो। जैसे आपको तुरंत काम लेना है कि बच्चा बहुत रो रहा है, भूखा है, तो उसको क्या कर सकते हो, आप एक बॉल है उसमें आप पानी लोगे, गर्म पानी लोगे, और जो दूध का ब्रेस्ट मिल्क वाला कंटेनर है वो उसके
अंदर डाल दोगे, ठीक है, तो वो जो सराउंडिंग वाला हीट वाला है, जो गर्म पानी की हीट है, वो उसमें चली जाएगी और वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा दूध पिलाने लायक हो जाएगा। कभी भी मदर मिल्क को बॉईल नहीं करना है, उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, ठीक है, बॉईल कभी नहीं करना है। हाँ, थर्ड थिंग, आप अगर आपने रेफ्रिजरेटर में मदर मिल्क रखा है, ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप वहाँ से रेफ्रिजरेटर से पाउच निकाला, पाउच निकाल के लोअर सेक्शन में, फ्रिज के लोअर सेक्शन में रख दो या फिर डोर में रख दो, उसको थोड़ी देर वहाँ रखो। उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाए, मतलब जो डी फ्रीज हो जाए, उसके बाद आप उसको रूम टेम्परेचर पे निकाल के रख दो। ऐसे सडनली आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि आप गरम कटोरी में पानी करके वैसे काम ले सकते हो, बट अवॉइड करिए कि जैसे जैसे बच्चे के फीड का टाइम हो तो आप उसको पहले से ही निकाल के रख दो, ठीक है। ये हो गया कि आप कैसे दोबारा काम ले सकते हो। अब जैसे एक और क्वेश्चन आता है कि मैम, हमने निकाल तो लिया उसको, जो फ्रीजर है उसमें से निकाल लिया, बट वो दूध थोड़ा सा ज़्यादा हमने स्टोर कर दिया था, तो अब थोड़ा सा दूध बचा रह गया, उसका क्या करना है। उसको आप दोबारा रेफ्रिजरेटर में नहीं डाल सकते, आप फ्रिज में रख सकते हो और विद इन 2 to 3 आवर्स उसको यूज़ लेना है दोबारा। जो एक बार हमने फ्रीजर से निकाल लिया, रेफ्रिजरेटर से जो दूध निकाल लिया है, उसको दोबारा मतलब फ्रीज नहीं करना है, वो नहीं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है और बच्चे को हार्म भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब टिप्स, क्या कुछ टिप्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे अगर आपने दूध निकाला और उसका कलर चेंज हो गया, हरा हो गया या कुछ काला काला हो गया, ऐसे कुछ हो गया, तो वो नहीं लेना है काम कभी भी, क्योंकि वो कंटामिनेंट हो चुका है, उसमें बैक्टीरिया आ चुके हैं, ठीक है। सेकंड टिप इज़ कि जो दूध आपने निकाला है फ्रीजर से, उसमें स्मेल आ रही है, वो स्मेल वाला दूध भी नहीं लेना है, काम नहीं लेना है। थर्ड, जब भी आप दूध निकाल रहे हो, उसको थॉ कर रहे हो, तो उसके बाद उसको अच्छे से सेक करना है कटोरी में या मिक्स करना है, क्योंकि उसके ऊपर जो फैट लेयर होती है वो जमा होती है। फोर्थ, आपको दूध को कभी भी बॉईल नहीं करना है, जो मदर मिल्क है उसको कभी भी डायरेक्टली स्टोव पे बॉईल नहीं करना है, उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गए आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डाउनलोड अवर ऐप बेबी नामा एंड फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम पेज बेबी नामा HQ।